कोई क्रोधी व्यक्ति देखा है कभी? क्रोध करेगा तो महाराज जैसे मैराथन में दौड़ कर लोग आते हैं ना महाराज, जितनी तेज तेज सांसें होती हैं उतनी तेज क्रोध में चल रही होती हैं, बैठे बैठे कहीं दौड़ के नहीं आया लेकिन फिर भी खून जलता है। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं सामने वाले पे क्रोध करके और उसको बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो अपने आप को कष्ट दे रहा है। उसी क्रोध के कारण उसके शरीर का संतुलन खराब हो जाएगा, उसी क्रोध के कारण, क्षणिक क्रोध के कारण तनाव में आ जाएगा, अपने ही रक्त को जलाएगा, अपने आप को ही कष्ट देगा। यानी हम अपने आप को ही दंड देते हैं क्रोध करके। कई बार तो लोग उसे पालते हैं क्रोध को बेटे की तरह। अरे हमको तो क्रोध आता है, सही बात पे आता है, हम क्रोध करते हैं, हमारा क्रोध ना खत्म नहीं होता है, हम बहुत क्रोधी हैं, बस हमसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो जाए नहीं तो हमें बड़ा क्रोध आता है। ये बेटे की तरह पालना ही तो है महाराज, तुम के गुलाम हो, मालिक ने क्रोध के गुलाम हो के वो जब चाहे तब तुम्हारा काम तमाम कर देता है। हमें करना क्या है? क्रोध बुरा नहीं है, भगवान ने जो भी चीज बनाई है बुरी नहीं है, क्रोध होना जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्रोध को मांगा है महादेव से, महादेव हे रुद्र भगवान हमें मनुष्यमी, हमें क्रोध चाहिए। पर किसके लिए चाहिए? घर के लड़ाई झगड़े के लिए, पति पत्नी में दरार करने के लिए, सास बहू में लड़ने के लिए, पड़ोसियों से झगड़ने के लिए, समाज के कल्याण के लिए? कोई बुरा कर्म हो रहा है, थोड़ा क्रोध करके उसे सही में परिवर्तन करने के लिए, इसके लिए क्रोध दिया है। ये नहीं कि हमारा भोजन की थाली उठा के फेंक दी, आज अच्छा नहीं बना इसलिए कोई नहीं खाएंगे, कोई थोड़ी सी झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी, ये तो हमारा कीचड़ में अपना क्रोध बर्बाद कर दिया। क्रोध भगवान ने इसलिए थोड़ी ना दिया, भगवान ने क्रोध बड़े काम के लिए दिया है। हमारा क्रोध निकलता है घरों में पत्नी पे, क्योंकि हमें पता होता है ये वाले तो कुछ कह नहीं सकते, इनको तो 10 बार सुनना पड़ेगा महाराज, बाहर वालों पे क्रोध करके दिखाओ, वहां तो संतुलन बना के रखते हैं, क्रोध में अपने आप को काबू कर लेते हो, लेकिन घर पे क्या होता है, खोल खुलाए रहते हो महाराज, ये गलत है। इतना भी महाराज हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्रोध किस लिए दिया है? समाज में कभी कुछ गलत हो रहा हो तो तुम्हारे अंदर ये क्रोध होना चाहिए कि तुम उसे सह ना सको, और उसे बंद करने के लिए तुम्हारी आवाज उठनी चाहिए। क्रोध शांत अगर कर लोगे, बिल्कुल क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध खत्म ही कर दोगे, तो फिर तो तुम महाराज कमजोर और डरपोक बन जाओगे। समाज में वैसे भी अधर्म की कमी नहीं है, हर जगह अधार्मिक लोग होते हैं, अधर्म होता है, और अगर आप क्रोध करना बंद कर देंगे तो उनके तो महाराज बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज आ जाएगी, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन धार्मिक लोग थोड़ा बहुत क्रोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, विरोध के लिए क्या चाहिए? क्रोध चाहिए, और जरूरी है क्रोध। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सामने से कोई आप देख रहे हैं, आपका घर ऊपर है और आप घर की दूसरी मंजिल पर खड़े हैं, आपने दरवाजा खोला और सामने देखा कि 4-5 लड़के खड़े हैं, कोई आपके दोशा की बेटी जा रही है, उसको कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, आपने देखा। अब आपके पास ये 3 से 4 प्रवृत्ति के लोग हैं, आप बताइए इनमें से आप वाले कौन से? पहला, देख करके जैसे वो हंस रहे हैं वैसे ही तुम हंस जाओ। दूसरा, बुरा तो लग रहा है लेकिन बीच में पड़ेंगे तो फिर पुलिस वुलिस का चक्कर पड़ेगा, और ये सब अपन नहीं झंझट में आना चाहते, इसलिए दरवाजा बंद कर लो। तीसरा, इधर उधर देखेंगे जैसे आपने तो कुछ देखा ही नहीं है, आपके सामने कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है, देखते हुए भी अनदेखा कर देना। और चौथा, क्रोध करना, नीच उतर के आना, इतनी मजाल हो गई हमारे यहां पर, और ऐसे हमारी बेटियां असुरक्षित रहें,
और जो महाराज कर रहे हैं वो ये सब कार्य, उनको महाराज दो तमाचे खींच के लगा दिए कि आज के बाद दिख मत जाना, ऐसे कृत्य मत करना, तो छोड़ेंगे नहीं। कौन से वाले हो? चौथा नंबर। चौथे नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध। और नहीं हुआ तो वो तीन वाली कैटेगरी में ही हो, स्वार्थी कहीं के। और क्रोध होगा तो क्या होगा? कहीं गलत हो रहा होगा तो ये क्रोध आना चाहिए, गलत को सही करने के लिए क्रोध आना चाहिए, समाज के सुधार के लिए क्रोध आना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्रोध वहां संभाल के रखिए, उसके लिए संभाल के रखिए, समाज के लिए, परिवार को सुधारने के लिए, राष्ट्र को संभालने के लिए, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए क्रोध होना चाहिए। पर घर के छोटे छोटे मामलों में क्रोध करके अपना पूरा तेज खराब कर देना, इसके लिए क्रोध नहीं बनाया। पर हम करते क्या है? हम घर पर करते हैं। और जो भगवान ने हमें औज दिया है, तेज दिया, उसका सर्वनाश कर लेते हैं एक ही बार में। आप महीना भर तपस्या करो, महीना भर व्रत करो, उपवास करो, नाम जाप करो, और दो मिनट का क्रोध आने दो, सब बर्बाद करके चला जाएगा पूरा तप, सारी तपस्या। कितना खतरनाक है। इसलिए कहा इसका दमन नहीं किया जा सकता, क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रोध की दिशा को बदला जा सकता है। क्रोध की दिशा जो हमेशा उग्र उग्र रहती है, उस दिशा को अपने आप पर लाओ, बाहर की ना करके अपने ओर लाओ कि मेरे किन अवगुणों के कारण ये सब हो रहा है, मुझे उन अवगुणों पर क्रोध करना है कि वो दोबारा अशांति ना फैलाए। पर हम इतने महाराज स्वार्थी हैं कि हमेशा दूसरों के अवगुण पर तो दृष्टि जाती है, फलाने ने कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन हमारी कौन सी क्वालिटी बेकार है जिसके कारण हमें क्रोध आ रहा है, उस पर कभी नहीं। हम तो बढ़िया हैं, हमारा सब बेकार है। ये क्रोध किस लिए है? क्रोध आएगा, उसकी दिशा बदल दें आप। तो महाराज फिर क्रोध आ भी जाए ना, तो सिर्फ आपके अवगुणों को सुधार के ही जा सकता है, या फिर समाज के कल्याण के लिए लग सकता है। और ये मति बनी रहे, इसी के लिए प्रभु का भजन करें। कई बार लोग कहते हैं कई बार लोगों को कहता हुआ सुना होगा, मिरर में देख लो, जब क्रोध आए पानी पियो, बात मत करो, क्रोध आए करने का मन करे तो 5 मिनट रुक जाओ। ये युक्तियां हैं, किंतु ये समझ आता है कि जब क्रोध आता है तब नहीं है। एक ही महाराज टैबलेट है जो दिल में बिठा के रखो, जब भी क्रोध आए उससे पहले मैं तो ये कहूँगी, जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे हरि के चरणों में, तो ये चीज़ें अपने आप वृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। कभी क्रोध अचानक से आ भी जाए फिजूल का, तो तुम्हें स्मरण हो आता है कि तुमने गलत किया है, तुम्हारा चित्त जलता है, अपने अवगुण दिखाई पड़ते हैं। और जब प्रभु खुद से दर्शन करा रहे, इसका अर्थ है प्रभु को भी भनक लग गई तुमने यहां गलत किया। उस समय जिसका भी अपमान किया, जिससे भी बोला, उसे क्षमा याचना मांग लो। तुम्हारा ये वृत्ति का बार बार आप स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे फिर क्रोध पर अभ्यास होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं है, हमें भी आता है महाराज, हम कब कहें कि नहीं आता है। कोई भी साधु संत, उन सबको आता है क्रोध, लेकिन उनको पता है कि किस जगह आना चाहिए और किस जगह पर नहीं आना चाहिए। अच्छे काम के लिए आना चाहिए।